गाइस अभी आ चुके हैं हम लवकुश हॉस्पिटल। गुड मॉर्निंग, राम राम सभी को। तो इनको सम्मानित किया जा रहा है। गाइस अभी इनको माला वाला पहना के सम्मानित किया जा रहा है। और ये सर अपने वेरी गुड। गाइस अभी ये माहौल है, अभी पानी वानी आ चुका है और जो ना तो फोटो क्लिक करवा रहे हैं। अभी तो ये सिस्टर क्लिक कर रहे हैं इनका फोटो। हम दोनों को तो लिया ही नहीं गया फोटो में क्योंकि हम ज्यादा ही बड़े हैं। सोनिया को राहुल को पीना बहुत जरूरी है। चाय बिना इनकी जिंदगी नहीं है। तो बहुत अच्छा लगा, बट थोड़े दिन बाद यहाँ पे आके अब जा रहे हैं। और ये चेरी, हमें भी बहुत खुशी हुई सोनिया और आरती के साथ स्वतंत्रता दिवस मनाने में। दीपक भैया को बहुत मिस किया। उधर से डायरेक्ट आ गए सामान लेने, लाइट के कुछ सामान बाकी थे भैया की शॉप पे। लड्डू खेल रही है। लड्डू अभी हम लाइट का सामान लेके निकल चुके हैं और इधर निकल रही है रैली 15 अगस्त के लिए। अभी टाइम हो रहा है रात के 11 और अब जाके दिखाए चांद। सब तैयारी कर रहे हैं अर्घ देने की। क्या अच्छा हो रहा है भाई। इधर आ, इधर आ सोनिया, सोनिया इधर आओ, कम हियर। सुबह सुबह मेरे से लड़ाइयां कर रही है, पता ही नहीं किस चीज की दुश्मनी निकाल रही है। दुश्मनी बहुत बड़ी दुश्मनी आपके साथ मेरी। क्या है तो दुश्मनी? 36 का कड़ा है। 36 का है, मेरा 72 का है। वरना सोनिया इसको पैराशूट बना के उड़ भी सकती थी। हाँ बोलो, तू ही करी खराब ही। हाथ में लीजिए, पागल बना रही झूठे। तो हम दब जा लवकुश हॉस्पिटल में सोनिया और हमें और आरती और आकाश भाई, हम सबको बुलाया था वहाँ ध्वजारोहण में। तो सोनिया, मैं तो जा नहीं पाया था क्योंकि कुछ काम की वजह से नहीं जा पाया था। ये मतलब सोनिया, आकाश और आरू तीनों गए थे तो बहुत अच्छा लगा। सुबह सुबह लड़ाई करके और कि आप जाओ, आप जाके आ जाओ, मैं यही हूँ। मेरे पास कपड़े ही नहीं थे अच्छे। मैंने इनको बोला था कि हम क्या वहाँ पे गए थे ना, कहाँ पे गए थे वो? वृद्धा डैम। तो हम देवली रुक गए थे तो मेरे तो कपड़े थे और इनके नहीं थे। तो मैंने बोला था कि खरीद लो, लेकिन दुकानें बंद थी और सुबह इतनी जल्दी दुकानें खुलती नहीं है। तो ऐसे लोअर टी शर्ट में तो वहाँ जाना अच्छा भी नहीं था। और जिस दिन ब्लैक चीज नहीं पहन सकते तो इस चक्कर से मैंने पहनी भी नहीं, तो मैं नहीं गया था। ये गए थे तो इनका वीडियो देख के मेरे को बहुत अच्छा लगा कि बहुत अच्छा मैनेजमेंट था वहाँ और उन्होंने अच्छा सम्मान किया, सब चीज़ें अच्छी थी। तो उनको हमारी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद कि हम लोगों को आपने इनवाइट किया। सम्मान किया, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी बात करनी है हमको आपसे। तो हम कुछ नया प्लान कर रहे हैं हमारे घर को लेकर। तो सोनिया कुछ बताने वाली थी घर के बारे में, भी मेरे से डिस्कस कर रही थी, तो बताओ जल्दी। क्योंकि मैं, मेरा ऐसा मानना था कि मैं बोलना चाहती हूँ, मैं दीपक को ये बोलना चाहती थी कि हमारे जो छत पे हमने रूम नहीं बनवाया, तो मेरी इच्छा है कि मैं वहाँ पे एक रूम बनाऊँ।
तो एक कमरा और ऐड करने की सोच रहे हम, मतलब इसके ऊपर फिर तो अगर रूम बनाएंगे तो पूरे पे ही छत डलेगी इस पे, तो सेकंड फ्लोर का काम करवाने की सोच रहे हैं घर का। तो अभी तो बारिश है, फिर देखते हैं बारिश रुकने के बाद। अभी नहीं, ये महीना तो रहेगा शायद बारिश का, या अगला महीना भी रहेगा। हाँ अभी एक दो महीने है बारिश के, और जैसे बारिश हो रही है वैसे रुकने का नाम ही नहीं ले रही। हाँ जैसे ही बारिश रुकेगी फिर काम स्टार्ट करवाएंगे, क्योंकि कुछ नहीं है। अरे फिर वही रुकने की समस्या हो जाती है, अगर कोई मेहमान भी आते हैं तो परेशान होते हैं फिर सब। और इस वजह से फिर ये जो हमारा वाला रूम है और ये वाला और ऑफिस वाला जो रूम है, जो परेशानी वाली बात है वो आपको 9-10 दिन बाद दिख जाएगी। एक्चुअल में क्या है, हमारे एक प्रोग्राम होता है हर साल जिसे हम बोलते हैं गांव बार है। तो बहुत ज्यादा परेशान होते हैं इस वजह से। मतलब गांव बार तो नहीं बोलते, हमारे यहाँ भैरवजी के मेले के नाम से प्रसिद्ध है, भैरवजी बाबा का स्थान। गांव बार ही कहते लेकिन उन्हें। हाँ मतलब वो हम, लेकिन गांव वाले लोग नहीं बोलते, क्योंकि एक्चुअल में जब पहले मतलब सुनते हैं हम छोटे थे जब, कि पहले यहाँ एक बार वो गांव बार के दिन कुछ वो गई थी, घटनाएं हो गई थी, कोई मर गए थे, उस चक्रों से ना बंद कर दिया, और जब से गांव बार का नाम हटा के मेले का नाम कर दिया है। तो अभी जब मैं छोटा था तो मैं तो बहुत ही ज़्यादा मज़े लेता था उसमें। मैं छोटा था तो मतलब हमारी गैम जब ये मेला भरता था तो सुबह मैं जल्दी सब पहले नहा के और जाओ वहाँ, कोई अब मतलब कोई दुकान भी नहीं लगती थी, उससे पहले ही वहाँ जाके बैठ जाते थे हम। और फिर सबसे बड़ा मज़ा तब आता था जब सारी दुकानें हट जाती थी, तो हम लोग यहाँ से सोच के जाते थे कि यार कुछ ना कुछ तो भूल के गए होंगे वो, और फिर यहाँ से जाते थे पैदल 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 घर वालों से छिप कर, क्योंकि रोड क्रॉस करना पड़ता है हमें, NH 52 है तो वो क्रॉस करना पड़ता है उधर जाने के लिए। तो घर वालों को टेंशन होती थी कि रोड है, हाईवे है, तो कुछ ना कुछ बात हो जाए, इस चक्कर से घर वालों से छिप के जाते थे और छिप के वापस आते थे। एक बार मेरे को वहाँ टॉर्च मिली थी, मैंने टॉर्च एक साल तक संभाल के रखी थी, बहुत मज़ा आया था मेरे को। और एक बार टूटा हुआ फ़ोन मिला था, एक बार 10 रुपया ला दिया अपने, हर बार जब भी जाता था कुछ ना कुछ तो मिलता ही था मेरे को, तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता था। और फिर हम लेके आते थे वो छोटी छोटी प्लास्टिक वाली बंदूकें, और फिर उनको रखते थे संभाल के, जब ये आती है ना पतझड़ का टाइम आता है, नीम के आती है निमोलिया, तब फिर उनको बंदूक में भर भर के मारते थे एक दूसरे के, जब तक संभाल के रखते थे उसको। देख लो आप 10-10 रुपये की बंदूक को, और जो घर वालों की तरफ से जो बजट मिलता था वो मिलता था मैं मेले में 50 रुपये, 50 रुपये में पूरा मेला घूम के आते थे, 50 भी नहीं मिलते थे कभी तो या तो उसमें खाने की चीज़ें आती थी या फिर खेलने की आती थी, तो मैं खाने को अवॉइड कर देता था एक साइड और खेलने की चीज़ों पर फोकस रखता था, क्योंकि वैसे ही लड्डू बाटी बनते हैं उस दिन घर पे। सोनिया था गाँव भी बड़े मेड़ो कहीं थन मेड़ा हम कतरा, मतलब सोनिया आपको कितने रुपये मिलते थे मेले में? पापा ट्रक चलाने जाते थे ना, तो जब भी आते थे तो पता था मेला है मेला है मेला है, तो मेरे को 500 रुपए देते थे। और फिर क्या क्या करते थे 500 रुपए के? मैं तो बस खरीदारी करती थी, खाने का मेरे को शौक ही नहीं था शुरू से ही। हाँ वही गुड्डी रे खरीद के लाती थी, गुड़िया गुड़िया वुडिया तो खरीदा ही फोन करी दिया, बट डेकोरेट को सामान ज्यादा खरीदे। और मतलब शुरू से मन गुड्डा वुड्डा तो मैं खरीदी थी वो डेकोरेट का सामान, और मतलब कुछ फेरबा वेरबा का ले लिया था, छोटा ही ज्यादा शौक। क्या लेते थे? मतलब कॉस्मेटिक सामान ले लेते थे, डेकोरेट के सामान लेते थे, और कुछ पहनने के। हाँ कॉस्मेटिक में आ गया ना। अच्छा यस। और हमारे झूले लगते थे बहुत बड़े बड़े, झूलों में झूला झूलते थे, बहुत मजा आता था। मगरमच्छ वाला वो बड़ी रांट छोटी रांट का ही नाम आते थे उनके, चकरी चकरी में घूमे। ज्यादा पैसे तो ना वो झूला खाने में वेस्ट करते थे।
मेरे को झूला तो खाने बिल्कुल में भी बहुत पसंद मजा नहीं है, आता वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है मेरे को। मगरमच्छ वाले में तो जी जिसको पसंद है झूला खाना मगरमच्छ वाले में वो कमेंट्स करके बता रहे, और मेरे को तो बिल्कुल भी सबसे नहीं है, मेरे को डर लगता है। सबसे बड़ी वाली रॉट आती थी उसमें 20 रुपए लेते थे उसमें इतने भयंकर वाले चक्कर आते थे ना जिसकी वजह नहीं है, तो फिर उसमें तुम्हें पता था कि चक्कर आने वाले तो बैठते ही क्यों थे। फिर भी मजा आता था, सुबह से बैठते थे। मैं एक ही बार बैठा हूँ, क्या रोया था मैं, क्या चिल्लाया था मैंने, खूब गालियां बकी थी उसको, अरे भाई उतार दे आकाश भी है। और हमारे मतलब वहाँ पे ना देवत माता का मंदिर है ना, वहाँ पे भरता था पहले मेला, तो वहाँ पे पहले बहुत ज्यादा स्पेस था, अभी तो वहाँ पे क्या मंदिर बना दिया ना तो जगह कम हो गई, पहले बहुत ज्यादा जगह थी ना, मतलब इतनी भीड़ होती थी ना पैर रखने की जगह नहीं मिलती थी, ऐसा कुड़स कुड़स के निकलते थे वापस। तो बस बातें तो होती रहेगी बहुत सारी, फिर ब्लॉग ज्यादा बड़ा हो जाएगा। तो कैसी लगी आप सभी को वीडियो, आई होप आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूले। हाँ हमारे गाँव में ज्यादा बड़ा नहीं भरता, छोटा ही भरता है, क्योंकि हमारा जो ये टाइम होता है ना मेले का वो कुछ थोड़ा बारिश के टाइम होता है, तो और हमारे दीपावली में नवरात्र हाँ, के टाइम तो था। अभी क्या है तो बारिश में कीचड़ ये सब चीजें पानी भरने का वो, तो इस चक्कर से अभी भी भरता है लेकिन अभी ज्यादा नहीं होता, छोटा रहता है। तो ठीक है गाइस, मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।